हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी लोहड़ी फ्रॉम द साइड ऑफ पीहू स्टाइल। तो गाइस, ये वीडियो मैंने शूट की थी रात को 4 बजे, तो देन मेक श्योर रात को नहीं, फिजिकली सुबह ही हो गई थी। तो इस मेहनत के लिए प्लीज 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 हिट ऑन द लाइक बटन। पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को और कीप वॉचिंग। तो स्टार्ट करती हूँ उस मेकअप लुक के साथ, और आज मैं आपके साथ बहुत ज्यादा चिट चैट करने वाली हूँ, साथ में मेकअप भी बताने वाली हूँ कैसे किया है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे आई मेकअप लुक को क्रिएट किया है, लगाया है यहाँ पे कंसीलर मेबेलिन का, उसके बाद पाउडर से सेट कर रही हूँ, व्हिच इज अ फेसेस कनाडा, काफी अच्छा पाउडर है। लिंक्स आर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एज यूजुअल। तो लोहड़ी एक ऐसा फेस्टिवल होता है जो मैं बहुत ज्यादा इंजॉय करती हूँ गाइस लोहड़ी को, बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा यू नो डांस मस्ती एंड ऑल होता है। तो दैट्स व्हाई लुक भी एक यू नो बहुत ही प्यारा सा होना चाहिए। सो दैट्स व्हाई मैंने यूज किया है यहाँ पे ये आई शेडो पैलेट। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है देन मेक श्योर आपको पता होगा ये पैलेट कौन सा है। अमेजोन से लिया था, बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल पैलेट है। तो यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ बहुत ही प्यारा सा पिंकिश सा आई लुक। आउटर वी पे लगाया है मैंने ये डार्क शेड, और इस तरीके से मैं प्रॉपरली पैक करूंगी आउटर वी और उसके बाद ब्लेंड करूंगी। लाइट पिंक शेड जो है वो मैंने मिडल ऑफ द आईलेट लगाया है गाइज। मैंने ये लुक काफी ज्यादा ईजी क्रिएट करने की कोशिश की है, ताकि लगे इस फेस्टिवल में आपका सारा जितना भी ध्यान है ना वो सारा मस्ती और यू नो डांस एंड ऑल में रहे। सो दैट्स व्हाई तो काफी ज्यादा इजी है, ब्लेंड करना है अच्छे से क्रीज लाइन को। इसको बिना ब्लेंड किए हुए मत छोड़ दीजिएगा, बिकॉज काफी ज्यादा फेक लगेगा। यू नो आपने इतना अच्छा वियर किया होगा, मेकअप अच्छा किया होगा, अपने आई शेडो को ढंग से ब्लेंड नहीं किया होगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद मैंने कलर बार का यहाँ पे आईलैशेस कलर सॉरी मस्कारा यूज किया है। तो इस तरीके से आपको कोट करनी है अपनी दोनों आईलैशेस, पक्का कोट कर लीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल भी मत। अगेन मैं पैक कर रही हूँ अपनी आईलेट को इस ग्लिटर आई शेडो से। तो एक बहुत ही मैंने यू नो स्लीक सा इसके लिए ब्रश उठाया था, और इस तरीके से मैं अब इस पे डिप करके इस तरीके से आईलेट के ऊपर लगा रही हूँ। बहुत ईजी है लगाना, देखने में टफ लग रहा है लेकिन बहुत ईजी है। यहाँ मैंने क्विकली से लगा लिया आई शेडो, अगर आप अवॉइड करना चाहती हैं आई शेडो तो कर सकती है, बट ट्रस्ट मी बिना आई शेडो के मजा नहीं आएगा बिल्कुल भी आई लुक में। तो उसके बाद आई लाइनर यूज कर रही हूँ यहाँ पे, जितने भी प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। यूज किया है यहाँ पर मैंने ये NY का ऑयल, एंड बहुत जरूरी है अपने फेस को मॉइस्चराइज करना, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। मुझे इस वक्त भी बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी और बहुत ज्यादा ठंड हो भी गई है। फिट मी का मैंने फाउंडेशन यूज किया है, प्रॉपरली नेक पे भी यूज कर लें, फेस के ऊपर भी यूज कर लें और अच्छे से ब्लेंड कर लें। आप चाहे तो ब्यूटी ब्लेंडर भी ले सकते हो, हाथ भी यूज कर सकते हो, जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है वैसे कर सकते हो। तो मैंने यहाँ ब्रश की हेल्प से जैसे ब्लेंड किया है, वैसे ब्रश और ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ज्यादा अच्छे से ब्लेंड होता है। अब यहां मैंने आज लिया है मेबेलिन कंसीलर, तो आज मेरा मन करता कि मुझे इस तरीके से कंसीलर को अप्लाई करूं, तो जहां जहां हल्के फुल्के डार्क स्पॉट्स से मैंने वहां पे अप्लाई किया है, और उसके बाद आपको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। आप खुद देखिएगा कि आपके फेस पे कितनी अच्छी एक यू नो सटल सा बेस मेकअप रेडी हो गया है। तो इस तरीके से मैं अंडर आईज पर यहाँ पर ब्लेंड कर रही हूँ। उसके बाद मैंने एक दूसरा फ्लफी ब्रश उठाया है जिसे मैं दोबारा से ब्लेंड कर रही हूँ। मेक श्योर कर रही हूँ कि सारी चीजें अच्छे से ब्लेंड हो। फेसेस कनाडा का अगेन कॉम्पैक्ट यूज कर रही हूँ सिर्फ अंडर आईज के नीचे, बिकॉज जहां जहां कंसीलर लगाया है उसको पैक करना बहुत जरूरी है। और पूरे फेस पे हल्का फुल्का सा यू नो एक रोल अप कर रही हूँ, बहुत ज्यादा फेस पाउडर नहीं अप्लाई कर रही हूँ बिकॉज विंटर्स हैं। यहाँ भी यूज कर रही हूँ ब्रॉन्जर शुगर का, दैट्स माय फेवरेट। जो भी मेरे सब्सक्राइबर है गाइस, थैंक यू सो मच। बहुत जल्दी गिव अवे करने वाली हूँ, थोड़ा सा यू नो उसके बारे में स्टडी कर रही हूँ कैसे करना है क्या करना है, यू नो बहुत सारी तैयारियां कर रही हूँ गिव अवे की, बिकॉज मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स को दे रहे हैं अच्छे अच्छे गिफ्ट। सो कीप वॉचिंग गाइज, कीप सपोर्ट। एंड ये मैंने रात को शूट की थी वीडियो, ना चाहते हुए भी मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, बट फिर भी मुझे शूट करना था लोहड़ी का मेकअप। और यहाँ देखो मैंने कितनी जल्दी से अपने आईलैशेस लगा ली हैं। ग्लिटर ग्लो पैलेट यूज कर रही हूँ, बहुत ही बॉम्ब हाइलाइटर है गाइज बहुत। लेकिन मैंने यहाँ पे ब्लश यूज किया पहले, और सेम पैलेट में से मैं हाइलाइटर भी यूज करूंगी। तो यहाँ से ये हाइलाइटर मैंने लिया, ओ माई गॉड लुक एट दिस हाइलाइटर। रात को 3 या 4 बजे शूट कर दी, बट लाइक बिल्कुल ब्राइटन अप हो गई थी और बहुत अच्छा लग रहा था इस हाइलाइटर को लगा के, तो काफी अच्छे से लग गया है। अब दूसरे फेस दूसरी साइड पे भी लगाऊंगी, ऐसा मत कर दीजिएगा एक साइड पे लगाएं एक साइड पे नहीं लगाएं। तो फोरहेड पे भी लगाइएगा, सारी जगह, नोज पे भी, चिन पे भी अच्छे से अप्लाई, बिल्कुल ग्लोई ग्लोई दिखना है तो अच्छे से अप्लाई करें। लेकिन डोज फुल डोज भी अप्लाई मत कर लीजिएगा, अदरवाइज बहुत ही डिजास्टर बन जाएगा फेस। तो ब्रॉज के नीचे भी अप्लाई करें, बिकॉज इसके बिना आपका आई मेकअप जो है अधूरा रह जाएगा। इतनी मेहनत की है और ब्रॉज के नीचे हाईलाइटर नहीं लगाया तो मेकअप
अधूरा रह जाएगा। तो उसके बाद बॉर्डर लाइन पे लगानी है ये सेम कलर जिसे आपने आई शेडो क्रिएट किया है, पिंक और ऑरेंज मैंने यहाँ पे मिक्स किया है शेड और बॉर्डर लाइन पे लगा रही हूँ। फेसेस कनाडा का सेटिंग स्प्रे मैं स्प्रे कर रही हूँ अपने फेस के ऊपर ताकि मेरा फुल ऑन जो मेकअप है वो हमेशा सेट रहे, लॉन्ग लास्टिंग रहे। सुखा दूंगी उसको इस तरीके से और उसके बाद यूज कर रही हूँ यहाँ पे मैं टू लिपस्टिक। वन इज ADS लिप टिंट जिससे मैं अभी अप्लाई कर रही हूँ अपने लिप्स पर। ये तो इट्स काइंड ऑफ ए पेंसिल बट मैं इसे समटाइम एज अ लिपस्टिक भी यूज कर लेती हूँ बिकॉज ये काफी अच्छी न्यूडी शेड की है। और उसके बाद अप्लाई कर रही हूँ उसके ऊपर, ये काफी ज्यादा लाइक बहुत ज्यादा ग्लिटरी नहीं है लेकिन ग्लॉसी भी नहीं है, लाइक आई डोंट नो इट्स अ मिड मिड लिपस्टिक, इट्स अ मैट। कंप्लीटिंग दिस लुक विद मांगटीका। So I hope guys that you really like this video and a very very happy Lohri. बहुत जल्दी giveaways करने वाली हूँ guys, keep watching. नए हो तो subscribe कर दीजिएगा channel को, hit on the like button, do comment below कैसा लग रहा है ये look और comment जरूर कीजिएगा guys. Till then we will meet in the next amazing video. Till then take care, bye bye.